हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अनीस। आज आप लोगों को गैस एसिडिटी और इंडाइजेशन के बारे में बताने जा रहे हैं। तो गैस एसिडिटी और इंडाइजेशन आज के डेट में हर एक लोग पीड़ित है, इससे हर एक लोग पीड़ित है, क्योंकि उनका भोजन प्रॉपर वे में बढ़िया से हो नहीं रहा है। लोग ऑयली फूड ज़्यादा खा रहे हैं, मीट मुर्गा मछली पर ज़्यादा विशेष रुचिकर उनका खाना बना हुआ है। तो इन सब वजहों से उनका पेट खराब रह रहा है, इनडाइजेशन वाला प्रॉब्लम हो रहा है, एसिडिटी हो रहा है, गैस फॉर्म कर रहा है। मेनली ये चीज़ है, मेनली है कि एसिडिटी होता क्यों है। तो स्टोमिक में दो ग्लैंड होते हैं, एक एसिड सिक्रेट होता है और एक पेप्सिन सिक्रेट होता है। अगर दोनों प्रॉपर वे में सिक्रेशन होता है तो खाना जो है ठीक से पचता है। और जब कभी कभार लोग हैवी भोजन कर लेते हैं तो उनका पेट में जलन हुआ, पेट में दर्द होने लगता है, वो भोजन होता है मोर एसिडिक हो जाता है। मोर एसिडिक होता है, एसिडिक होता है और एसिडिटी उससे ज़्यादा बनता है। तो हम आप लोगों को दोस्तों बताने जा रहे हैं कि गैस एसिडिटी और इंडाइजेशन में होम्योपैथिक में कौन सी दवा है जो आपको सबसे बढ़िया और प्रॉपर वर्क करेगी। तो दोस्तों, एक दवा है ब्रानिया। सर्वप्रथम आप ब्रानिया ले लें, सुबह, दोपहर और शाम। ब्रानिया 30 नंबर का लें, सुबह, दोपहर, शाम, चर्चर में। और एक ले लें कार्बोवेज, कार्बोवेज भी सुबह, दोपहर, शाम, चार्चर गुण। और एक तीसरा दवा जो आता है आप लोगों के लिए, वो दवा मिश्रण से बनता है, जैसे चीन चिलोनियम है तो हाइड्रेस्टिक, कलकाया, पपाया और तरह तरह के उसमें डाला जाता है। तो मेनली कुछ नहीं, जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो ब्रानिया, कारोबो, चिलोनियम का कया, पपाया, हाइड्रेस्टिक, ये तो चार्चर गुण ले लेंगे। हाइड्रेस्टिक, चिलोनियम और कया पपाया तीनों को प्रॉपर मात्रा में मिला करके और 20 मिनट सुबह, 20 मिनट शाम में दोनों दवा के साथ रात में नाक से भौं में एक खुराक ले लें। उनका एसिडिटी, गैस, इंडाइजेशन, ये जो सारा जो प्रॉब्लम है उनका क्विकली ख़त्म हो जाएगा। और होम्योपैथिक में इससे बढ़िया कोई दवा नहीं है, और हर एक पैथी से बढ़िया दवा होम्योपैथिक में। तो पैथी बहुत है और हर का अपना अपना अस्तित्व होता है, लेकिन दोस्तों होम्योपैथिक दवा का एक अलग ही महत्व है। ठीक है, बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे। मेरा वीडियो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।